तो ये टोपोलॉजी हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर लिया है। R1 पे जो लिंक नंबर कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, 0x0, और यहाँ पे भी 0x0, 0x0 और 0x0, ठीक है। और इनके ऊपर आईपी एड्रेस भी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है ना। तो अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्विच जो है वो जब भी इसके पास में कोई डेटा फ्रेम रिसीव होता है तो फ्रेम को क्या करता है, वो प्रोसेस करेगा ना। तो सबसे पहला काम क्या रहता था स्विच का, एड्रेस लर्निंग। जैसे ही कोई फ्रेम रिसीव होगा वो सबसे पहले एड्रेस लर्न करेगा, सोर्स मैक एड्रेस लर्न करके अपनी कैम टेबल जनरेट करता था, वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लर्न करके वो फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता था ना, याद है ना। तो हम लोग चेक कर लेते हैं डिवाइस जो ऑटोमेटिक जो मैक एड्रेस लर्न कर रहा है कैसे लर्न कर रहा है, ठीक है ना। तो एक काम कर लो, R1 पे चलते हैं और मैं यहाँ से पिंग करता हूँ किसको, 10.1.1.1 को। कम्युनिकेशन हो रहा है 10.1.1.1 से, मैं सॉरी खुद है ना 10.1, तो 10.1.1.2 को मैं कम्युनिकेट करने की ट्राई करता हूँ। तो देखना पहला पैकेट ड्रॉप हुआ है ना, पहला पैकेट ड्रॉप हुआ है, याद है ना तुम लोगों को। इसके पास में पहले ये क्या चेक करेगा, अपनी शो आर्प। जब भी ये कोई डेटा फ्रेम जनरेट करेगा, सोर्स आईपी क्या रहेगा 10.1, और डेस्टिनेशन आईपी क्या है लाइक इस बार 10.4, और ये सोर्स मैक एड्रेस अपना ए लाइक ऐड करेगा, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका ऐड करेगा, 10.1.1.4 का। तो स्टार्टिंग में ये 10.1.1.4 का या जिसको भी कम्युनिकेट कर रहा है उसका मैक एड्रेस होगा नहीं, तो इस प्रोसेस को होल्ड करके, याद है मैंने तुम लोगों को बताया था पूरी एक आर्प प्रोसेस चलती है ना। तो ये क्या जनरेट करेगा, एक आर्प रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा, जिस वो Layer 2 के ऊपर सोर्स मैक एड्रेस इसका, वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑल एफ है ना। और ये फ्रेम किसके पास में आएगा, स्विच के पास में, हमने 10.1.1.2 को कम्युनिकेट किया था, तो स्विच के पास में आया। सोर्स मैक एड्रेस क्या है, ए है, यहाँ पे इस वाले पोर्ट पे लर्न कर लेगा, और एक कॉपी कहाँ पे भेज देगा। तो ये दोनों इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं ना, और ये क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स देगा ना, और इसकी ARP टेबल में भी एंट्री स्टोर हो जाएगी ना 10.1.1.1 की, हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बताया था ना मैंने। और इसके पास में आर्प रिस्पॉन्स आया, इसके पास में भी उसकी एंट्री स्टोर होगी, तब तक वो आपका टाइम आउट हो चुका होता है, 2 सेकंड हो चुके होते हैं ना। पहला पैकेट ड्रॉप कर देता है और सेकंड पैकेट फिर से वो ICMP जनरेट करता है, तो इस बार मैक एड्रेस उसकी ARP टेबल में मिल जाता है, तो वो कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है, याद है ना ये चीज़ें जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। तो देख लो अभी यहाँ पे स्विच R1 पे इसकी ARP टेबल में मैक एड्रेस आ गया ना, और R2 की ARP टेबल में भी मैक एड्रेस आ चुका होगा उसका, शो आर, देखना। बट R3 और R4 इस आर्प मैसेज को क्या करेंगे, डिस्कार्ड है ना, तो शो आर्प इनके आर्प टेबल में देखना एंट्री आई है, और R4 की ARP टेबल में भी देखना शो आर्प नहीं है ना। और अब मैं अगर R1 से मैं अगर कम्युनिकेट करता हूँ किसको, 10.1.1.3 को, तो फिर से एक ब्रॉडकास्ट जनरेट, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं होगा ना इसके पास में, तो फिर से क्या जनरेट करेगा, एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, और वो सभी के पास में जाएगी, सभी मशीन उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, एक्सेप्ट कौन करेगा सिर्फ, हाँ। तो इसके पास में आर्प रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो 10.1.1.3 का मैक एड्रेस आ गया ना इसके पास में, और R3 के पास में भी शो आर्प में देखना मैक एड्रेस आ गया, बट 4 के पास में अभी तक उसका मैक एड्रेस नहीं आया होगा, क्यों, क्योंकि उसने R4 ने उस पैकेट को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि आर्प इसके लिए नहीं थी, आर्प मैसेज में IP इसका नहीं था ना, अरे याद है ना। तो ये लो फिर मैं यहाँ से पिंग करके देखता हूँ 10.1.1.4 को, तब इसके पास में 4 का भी शो आर देखना, और R4 के पास में भी शो आर में देखना, समझ में आई बात। बट R2 के पास में मैक एड्रेस नहीं है सामने वाले का ना, R2 के पास में, R2 के पास में सिर्फ मैक एड्रेस किसका है, R1 का, शो आर देख लो। मैं अगर यहाँ से कम्युनिकेट करता हूँ 10.1.1.3 को, तो ये भी ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा, पहला पैकेट ड्रॉप और शो आर्प में देखना है ना। और इसी तरह से मैं पिंग स्पेस 10.1.1.4 को कम्युनिकेट करके देखता हूँ, और शो आर्प में देखना उसका मैक एड्रेस भी आ गया, और अब इन दोनों के पास में भी 2 का मैक एड्रेस आ जाएगा ना शो आर्प। अरे इनके पास में आर्प रिक्वेस्ट आई है ना 2 की, और इसके पास में भी देख लो शो आर्प, इसके पास में भी, और मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 10.1.1.3 को, तो ये भी इनको भी एक दूसरे का मैक एड्रेस मिल जाएगा ना शो आर्प, इसके पास में अब सबका मैक एड्रेस है ना, और शो आर्प इसके पास में भी सबका मैक एड्रेस है। तो जैसे ही कोई डेटा फ्रेम यहाँ पे रिसीव होगा, फ्रेम
सोर्स मैक एड्रेस क्या है, ए है, तो ए इस वाले पोर्ट पे लर्न कर लेगा ना ये, तो ये भी प्रूव करके देख लें, इसकी कैम टेबल चेक करें। अब इन सभी के मैक एड्रेस इसकी कैम टेबल में आ चुके होने चाहिए, आगे होने चाहिए ना, तो चेक कर लें। तो आप स्विच पे चेक करोगे, शो कैसे चेक करते हैं, शो मैक एड्रेस टेबल कमांड चलती है ये। इसमें क्या दिखाएगा, इसमें कुछ स्टैटिक ये पूल भी दिखाएगा, ये पूल क्या है हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस कर देंगे। और यहाँ पे ये देखना, चार मैक एड्रेसेस लर्न कर दिए ना, ये R1 का मैक एड्रेस होगा, ये R3 का मैक एड्रेस होगा, और ये R2 का, और ये R4 का। इवन चेक कर लो, मैं R1 पे चलता हूँ, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट, इसका 0x0 इंटरफेस है ना, इसके 0x0 इंटरफेस का मैक एड्रेस चेक करना ज़रा क्या, ये मैक एड्रेस और ये मैक एड्रेस मैच कर रहे हैं ना, अरे मैच कर रहे हैं ना, और ये लो लास्ट वाले पोर्ट चेक कर लेते हैं, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 का, इस इंटरफेस का जो मैक एड्रेस है वो भी चेक कर लेते हैं, ये वाला मैक एड्रेस और R0x4 पोर्ट पे जो मैक एड्रेस लर्न हुआ है वो दोनों सेम है ना, तो हो गया ना प्रूफ। ये मैक एड्रेस को क्या करते हैं, लर्न कर लेते हैं डायनेमिकली, जैसे ही कोई फ्रेम आएगा सोर्स मैक एड्रेस क्या लग के आएगा, अरे ये मशीन जब भी कोई डेटा फ्रेम भेजेंगे तो सोर्स मैक एड्रेस क्या लग के आएगा, इनका लग के आएगा ना, तो मैक एड्रेस क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे ना, तो मैक एड्रेस लर्न कर लिया ना इन्होंने ऑटोमेटिक डायनेमिकली। और आप ये कैम टेबल आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो, क्या कैसे चेक कर सकते हो, शो मैक एड्रेस टेबल, और आप डायनेमिक कीवर्ड यूज़ करोगे ना यहाँ पे, तो सिर्फ आपको डायनेमिक एंट्रीज दिखाएगा, जो मैक एड्रेस इसने डायनेमिकली लर्न किए हैं वो मैक एड्रेस दिखाएगा इससे। अगर शो मैक एड्रेस टेबल बोलोगे तो डायनेमिक एंट्रीज और जो स्टैटिक एंट्रीज हैं वो दोनों दिखा देगा, और अगर आप यहाँ पे डायनेमिक बोलोगे तो सिर्फ डायनेमिक एंट्रीज दिखाएगा, और अगर आप यहाँ पे शो मैक एड्रेस टेबल, और अगर आप यहाँ पे स्टैटिक बोलते हो तो सिर्फ आपको स्टैटिक एंट्रीज दिखाएगा, डायनेमिक एंट्रीज नहीं दिखाएगा। समझ में आ गई बात। और मैंने एक और चीज़ बताई थी तुम लोगों को, ये जो इस मैक एड्रेस को जो स्टोर करके रखेगा अपने टेबल में, वो कितने टाइम के लिए स्टोर करके रखेगा, मैक एजिंग टाइम कितना था यहाँ पे देखना, मैं डायनेमिक कीवर्ड से अगर कैम टेबल चेक करूँ तो मैंने बताया था यहाँ पे 300 सेकेंड भी दिखा, तो वो एक्चुअली यहाँ पे टेबल में नहीं दिखा रहा होगा, ठीक है। कैसे अगर चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, ये कमांड चलती है इसका मैक एजिंग टाइम चेक करने के लिए, तो मैक एजिंग टाइम कितना है देखो, यहाँ पे दो टाइप का मैक एजिंग टाइम दिखा रहे हैं, एक तो ग्लोबल एजिंग टाइम सभी वीलैन के लिए, और जो सभी वीलैन के लिए यहाँ पे जो ग्लोबल एजिंग टाइम होगा यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ग्लोबल एजिंग टाइम, और ये टाइम सभी वीलैन के लिए होगा, मतलब वीलैन 1 के लिए भी ये मैक एजिंग टाइम रहेगा, वीलैन 2, अगर कुछ यूजर वीलैन 2 में है उनका भी मैक एड्रेस कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखेगा, ये 300 सेकेंड के लिए। इवन यहाँ पे विलन बना नहीं हुआ, अगर बना होगा तो वो भी उसके लिए भी ऐसे ही दिखाएगा। इवन एक काम कर लेते हैं हम लोग, मैं अभी के लिए दो विलन बना लेता हूँ, एक विलन 10 और एक विलन 20, और इसमें मैं पोर्ट असाइन करवा देता हूँ 0x2 और 3, और इसमें मैं पोर्ट असाइन करवा देता हूँ 0x1, सॉरी यहाँ पे 1 और 2। अरे मैं यहाँ पे विलन बना रहा हूँ दो, मैंने क्या किया, एक विलेन 10 बनाया, इसमें मैं पोर्ट असाइन करवा रहा हूँ 0x1 और 0x2। विलेन सबको बनाने आते हैं ना, पोर्ट सबको असाइन करने आते हैं ना, 0x3 और 0x4। इसको हम लोग विलेन को आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल से, अभी के लिए मैं सिंपल यहाँ पे विलेन बना रहा हूँ। विलेन एक बनाया मैंने 10,20, दो विलेन बना लिए, और इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1x0x1 2 2, इसको मैं स्विच पोर्ट एक्सेस करवा देता हूँ किस में, विलेन 10 में, एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1x0x3 2 4, एक रेंज कमा कीवर्ड देना था आगे ना, स्विच पोर्ट एक्सेस करे किसको, विलेन 20 को, ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ पे शो विलेन ब्रीफ, देखना ये विलेन 10 में गया और ये विलेन 20 में। एक काम करो यार, नो विलेन 1 2 4 0 9 4 बोलो पहले तो, और एक विलेन 10,20 बना लेते हैं, शो विलेन ब्रीफ, अभी ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैक एजिंग टाइम पहले दिखा नहीं रहा था ना, अब यहाँ पे कितने सारे विलन क्रिएट हो रखे थे बाकियों के, दिखा नहीं रहा था ना, क्यों नहीं दिखा रहा था, क्योंकि उन विलन के अंदर कोई यूजर नहीं था। शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम में दिखा नहीं रहा था, याद है तुम लोगों को, और इस बार तो दिखा रहा ना, क्योंकि पहले इन विलन के अंदर पहले 1 से लेके बहुत सारे विलन बने हुए थे, वो यहाँ पे दिखा नहीं रहा था क्योंकि उनमें कोई पोर्ट था ही नहीं अवेलेबल,
और इस बार पोर्ट अवेलेबल है तो दिखा रहे ना। तो देखना ये ग्लोबल एजिंग टाइम जो है ना वो सभी वीलन के लिए होगा। अगर ये आपने ग्लोबल एजिंग टाइम चेंज करना है तो आप ये चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो ये मैक एड्रेस की एंट्रीज कितने टाइम के लिए स्टोर करें, मैं बोलता हूँ कि लाइक ये कुछ ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करें। तो कैसे कैसे चेंज करोगे, मैक एड्रेस एजिंग टाइम, एजिंग टाइम मैं कितना कर दूँ, मैंने कर दिया यहाँ पे लाइक, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, आप इतना यूज़ कर सकते हो। तो मैंने कितना यूज़ कर लिया, मैंने बोल दिया ये लो 1000 सेकेंड के लिए क्या करें ये, तो शो मैक एड्रेस एजिंग टाइम। अरे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके ये कमांड रन करोगे तो मैक एजिंग टाइम एड्रेस आप चेंज, मैक एजिंग टाइम आप चेंज कर सकते हो। और मैं अगर चेक करता हूँ अभी तो देखना इसका ग्लोबल टाइम कितना हो गया, और यही सभी वीलैन के लिए हो गया ना। अगर आपने पर्टिकुलर वीलैन के लिए अगर मैक, अब चाहे वीलैन 10 में हो, 20 में हो, 1 में हो, कोई भी यूज़र हो, अगर उनका मैक एड्रेस अगर ये कैम टेबल में लर्न करेगा तो 1000 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेगा सभी के लिए। अगर आप चाहते हो कि विलेन 10 वाले के लिए मैंने मैक एजिंग टाइम चेंज करना है सिर्फ, मैंने ग्लोबली नहीं चेंज करना इस बार, मैं चाहता हूँ सिर्फ विलेन 10 वाले के लिए जो मैक एजिंग टाइम हो ना वो 2000 सेकंड हो, सिर्फ किसके लिए, विलेन 10 के लिए। तो आप कैसे बोल सकते हो यहाँ पे मैक एड्रेस एजिंग टाइम फॉर विलेन, फॉर विलेन 10, ये बोल दो। तो अब देखना यहाँ पे शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, देखना विलेन 1 के लिए और 20 के लिए तो वही है जो हमारा ग्लोबल सेट है, जो ग्लोबल होगा वो सबके लिए सेट होगा। अगर पर्टिकुलर कोई विलेन के लिए चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। तो अब विलेन 10 में जो हमारे यूजर हैं उनके मैक एड्रेस को ये कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखेगा, 2000 सेकंड के लिए। अगर वो यूज़र आपके होल्ड पे हैं, आइडल बैठे हैं, अगर उनका कोई जैसे ही डेटा जनरेट होगा दोबारा नया तो वो वापस से क्या कर लेगा, एंट्री को रिफ्रेश कर लेगा। समझ में आई बात, तो मैं वापस से चेंज कर दूं इस टाइमर को अगर चेंज करना चाहते हो आप। तो ये लो फिर मैंने विलेन 10 से यहाँ पे इसको क्या कर दिया, हटा दिया, और एक मैंने ग्लोबली चलाई थी ना, ये लो मैंने यहाँ से भी इस कमांड को भी नेगलेक्ट कर दिया। अगर कोई भी कमांड आपने रिमूव करनी है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने रिमूव करनी है तो जो आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन करी है, जो कमांड रन करी है, उस कमांड के आगे नो नो बोल दो आप। तो शो मैक एड्रेस टेबल और एजिंग टाइम, अभी देखना वही हो गया ना। और अब मैं काम करता हूँ, मैं वापस से एक नॉर्मल वीलन में लेके आता हूँ सभी पोर्ट को, इंटरफेस रेंज, अरे डिफ़ॉल्ट वीलन में लेके आ रहा हूँ 4.1.2.4, स्विच पोर्ट एक्सेस करें किसको, वीलन विलेन 1 को, शो विलेन बी। अब सारे पोर्ट वापस से किस में आ जाएंगे, विलेन 1 में आ गए। तो अब ये सारे यूज़र एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर पा रहे होंगे ना, अब ये सारे यूज़र एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। पिंग स्पेस 10.1.1.2, कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, अब इसका रीज़न मुझे बताओ आप। किसकी वजह से पिंग नहीं हो रहे हैं, देखना अभी पिंग होने लग जाएंगे थोड़ी देर में। एक्चुअली क्या था, कोई भी पोर्ट को एक विलन से दूसरे विलन में जब आप मूव करवाओगे ना तो वो पोर्ट आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में, एसटीपी की वजह से टाइम ले रहा है, वो पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में आने में 30 सेकंड लेता है, वो हम लोग एसटीपी में डिस्कस करेंगे। अब ये टाइम लेगा एक पोर्ट को दूसरे पोर्ट में, एक पोर्ट को एक विलन से दूसरे विलन में जब आप मूव करवाओगे तो वो पोर्ट आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में आने में 30 सेकंड लेता है, वो 30 सेकंड एसटीपी की वजह से लेता है, और क्यों लेता है वो हम लोग एसटीपी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 30 सेकंड के बाद में ही डेटा सेंड रिसीव होना स्टार्ट होता है उस पोर्ट से। तो अब देखना अब कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो गया ना। तो अब देखना मैं स्विच पे आता हूँ, स्विच ने मैक एड्रेस लर्न करके होंगे सबके, शो मैक एड्रेस टेबल, मैं डायनेमिक कमांड रन कर रहा हूँ तो सभी के मैक एड्रेस यहाँ पे लर्न किए हुए हैं ना, क्योंकि हम लोग इन यूज़र्स के बीच में क्या करवा रहे हैं, कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है मैक एड्रेस लर्न कर ही लेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी कैम टेबल क्लियर कर दूँ, आप कैम टेबल क्लियर भी कर सकते हो, देखना क्लियर मैक एड्रेस टेबल, और मैं डायनेमिक कीवर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ तो जो डायनेमिकली जो इसने एंट्री लर्न करी हुई है वो उन एंट्रीज़ को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, फ्लैश आउट कर देगा, फिर ये दोबारा लर्न करेगा, अब जब दोबारा डेटा आएगा तब लर्न करेगा। अरे अब जो एंट्रीज पड़ी है ना मैं उसको क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, तो इसकी कैम टेबल क्या हो जाएगी इस कमांड से, क्लियर हो जाएगी। और अब बाद में यूज़र जब दोबारा डेटा सेंड करेंगे तो दोबारा मैक एड्रेस क्या कर लेगा वो। तो मैंने टेबल कर दी क्लियर, शो
मैक एड्रेस टेबल, मैं वापस से डायनेमिक कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे टू का तो मैक एड्रेस डिलीट हो गया लेकिन अब तो वापस सबका आ गया। मैं काम करता हूँ, ये लो मैंने क्लियर किया, क्लियर क्लियर सबके क्लियर हो गए ना, दोबारा चेक करता हूँ, शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक, देखना टू का लर्न कर लिया ऑटोमेटिक ही, वन का भी, और ये तो ऑटोमेटिक ही मैक एड्रेस। मैंने क्या बताया था, ये स्विच इनपुट्स के ऊपर मैक एड्रेस कब लर्न करेगा, जब ये यूज़र डेटा सेंड करेंगे तब ना, हमने कोई डेटा ट्रैफिक जनरेट किया, ये तो ऑटोमेटिक ही लर्न कर रहे हैं, तो ये कैसे लर्न कर रहा है ऑटोमेटिक। देखो क्या होता है, ये जो हमारा स्विच जो होता है ना, ये जो हमारा स्विच है, इस स्विच के साथ में एक राउटर अटैच्ड है हमारा, है ना, ये पोर्ट नंबर लाइक 0/1 है और पोर्ट नंबर 0/0 है ना। तो तुम लोग देखते हो मैं जैसे ही इस पोर्ट को क्या करता हूँ, डाउन करता हूँ, शट डाउन करता हूँ, तो इसका लाइन प्रोटोकॉल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है ना, उसको कैसे पता चलता है, कीप अलाइव से, किससे, लाइक मैं यहाँ से पोर्ट को क्या करता हूँ, मैं यहाँ से पोर्ट को नो शट करता हूँ, जैसे मैं नो शट डाउन करूंगा ये पोर्ट ऑटोमेटिक इसका लाइन प्रोटोकॉल क्या हो जाता है, अप आ जाता है ना, इसको कैसे पता चलता है कि सामने से पोर्ट आपका अप हो चुका है, तो ये डिवाइस क्या करता है, कीप अलाइव मैसेज भेज रहा होता है, जैसे पोर्ट अप आएगा इमीडिएटली ये क्या भेज देगा, इसको एक कीप अलाइव भेजेगा, जैसे इसको कोई कीप अलाइव रिसीव होगा, इसको पता चल जाएगा सामने वाला पोर्ट जो है वहाँ पे यूज़र जो है वो कोई अटैच हो चुका है, पोर्ट आपका अप आ चुका है, जैसे पोर्ट आपका अप आएगा राउटर का, पोर्ट अप आते ही कीप अलाइव मैसेज भेजेगा, कीप अलाइव मैसेज भेजते ही इसको पता चल जाएगा पोर्ट क्या हो जाएगा आपका अप हो जाएगा। इवन देख सकते हो आप, मैं आपको अप्रूव करके दिखा सकता हूँ, ये लो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 को मैं जैसे ही शट डाउन करूँगा सामने स्विच पे पोर्ट क्या हो जाएगा डाउन, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखना पोर्ट नंबर 0/1 क्या हो चुका है, डाउन है ना, और जैसे ही मैं इस पोर्ट को अप करूंगा, इवन यहाँ पे लोग मैसेज भी आ जाएगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैं जैसे ही इस पोर्ट को नो शट बोलूंगा, नो शट बोलते ही इमीडिएटली क्या भेजेगा, कीप अलाइव, कीप अलाइव भेजते ही देखना, अरे नो शट कर दिया गया उसको, देखना इसने क्या भेज दिया, एक कीप अलाइव मैसेज भेजा, कीप अलाइव मैसेज भेजते ही इसको पोर्ट को क्या कर दिया, इसने अप कर दिया, तो जो कीप अलाइव मैसेज हो जाता है ना, वो जो कीप अलाइव मैसेजेस जो होते हैं आपके, वो लेयर टू मैसेजेस होते हैं, कीप अलाइव एक प्रोटोकॉल है जो कि आफ्टर एवरी 60 सेकेंड क्या भेजता रहता है, सॉरी आफ्टर एवरी 10 सेकेंड क्या भेज रहा होता है, कीप अलाइव मैसेजेस भेज रहा होता है सामने वाले को बताने के लिए कि मैं क्या हूँ यहाँ पे, अभी भी अलाइव हूँ, कीप अलाइव मतलब हाँ मैं अभी भी यहाँ पे जिंदा हूँ, तुम अपने पोर्ट को क्या रखो, अप रखो, डाउन मत करना, तो आफ्टर एवरी 10 सेकेंड इसको क्या भेज रहा होगा, वो कीप अलाइव भेज रहा होगा, और जैसे ही पोर्ट यहाँ पे अप आएगा, नो शट करोगे, नो शट करते ही एक ट्रिगर्ड क्या भेज देगा, कीप अलाइव भेज देगा, और ये जो कीप अलाइव प्रोटोकॉल है वो किस पे काम करता है, लेयर टू पे, किस पे काम करता है, लेयर टू पे, तो लेयर टू पे जब डेटा फ्रेम जाएगा तो उसमें एक इथरनेट हेडर भी तो ऐड होगा, लेयर टू पे सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा इस इंटरफेस का, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रहेगा, एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस, तो जैसे ही ये कीप अलाइव मैसेज यहाँ पे आएगा तो सोर्स मैक एड्रेस क्या है, ए, तो ए यहाँ पे लर्न कर लेगा, ये निकलेगा, अरे जैसे ही कोई डेटा फ्रेम रिसीव हुआ स्विच को, सबसे पहले वो क्या करेगा, एड्रेस लर्निंग ना, सोर्स मैक एड्रेस क्या है, ए लग के आ रहा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इस वाले पोर्ट पे मैक एड्रेस क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, समझ में आ रही है मेरी बात, तो कीप अलाइव की वजह से वो क्या कर रहा है, मैक एड्रेस को ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, शो मैक एड्रेस टेबल, मैंने डायनेमिक बोला, तो देखना मैक एड्रेस लर्न क्यों है, मैं मैक एड्रेस क्या कर रहा हूँ इसका, क्लियर शो मैक एड्रेस टेबल, क्लियर कर दिए, मैं दोबारा चेक करता हूँ, देखना शो मैक एड्रेस टेबल, वो 60 सेकेंड 10 सेकेंड के बाद में जैसे कीप अलाइव दोबारा भेज रहा है, तो देखना, अरे ये डिवाइसेस क्या कर रहे हैं, ये डिवाइसेस यहाँ से हर 10 सेकेंड के बाद में क्या भेज रहे हैं, यहाँ पे कीप अलाइव भेज रहे हैं, और कीप अलाइव जब जाते हैं ना तो डेस्टिनेशन मैक लेयर टू पे काम करते हैं ये कीप अलाइव, जिसमें अगर लेयर टू पे जो प्रोटोकॉल काम करेगा वहाँ पे इथरनेट हेडर ऐड होगा ना, लेयर टू हेडर ऐड होगा, सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा इसका खुद का, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रहेगा, ये मल्टीकास्ट मैक एड्रेस लगा के भेज रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही कोई फ्रेम आएगा वो देखेगा सोर्स मैक एड्रेस क्या है, सोर्स मैक एड्रेस को चेक करते ही वो मैक एड्रेस लर्न कर लेगा ना, इवन देख लो मैं कीप अलाइव दिखा देता हूँ, ये लो इंटरफेस, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पोर्ट पे कीप अलाइव, और यहाँ पे सेट है, और कितने टाइम बाद में भेज रहा है, उसका पीरियोडिक टाइम कितना है, 10 सेकेंड, आफ्टर एवरी 10 सेकेंड वो क्या भेज रहा है वहाँ पे, कीप अलाइव भेज रहा है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, मैक एड्रेस को लर्न कर रहा है। अब एक काम करते हैं, ये कीप अलाइव मैं बंद कर दूँ, मैं R1 पे वो कीप अलाइव बंद कर दूँ इस इंटरफेस से, अरे कर सकते हो ना,
ये लो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 से मैं की अप्लाई बंद भी कर सकता हूँ, नो की अप्लाई भी, ये रहो मैंने जैसे ही नो की अप्लाई बोला शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 R1 पे, ये देखना की अप्लाई क्या हो गए, नोट सेट। तो अब कोई की अप्लाई मैसेज आएगा स्विच वन पे, तो अब डायनेमिकली मैक एड्रेस लर्न नहीं करना चाहिए ना इसको, तो चलो स्विच वन पे और शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक। इसने मैक एड्रेस लर्न क्यों है ना पहले, ये तो ऑलरेडी पहले वाले लर्न क्यों है, इनको 300 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेगा। मैंने बोला क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक और मैं बोलता हूँ शो मैक एड्रेस टेबल, देखना 3 पे 4 पे लर्न कर लिया, 2 पे लर्न कर लिया, 1 पे नहीं कर रहा ना, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि कीप लाइव नहीं आ रहा, वो तो 10 सेकंड हो गए होंगे ना, तो कोई कीप लाइव आ रहे हैं नहीं आ रहा, कीप लाइव नहीं आ रहा तो मैक एड्रेस लर्न कर रहे हैं, अरे कितना टाइम हो गया ना, बट देखना अभी क्या होगा थोड़े टाइम बाद में, अरे मैक एड्रेस लर्न नहीं हो रहा डायनेमिकली, क्यों, क्योंकि कीप अलाइव क्या हो चुका है डिसेबल, बंद ऑफ कर दिया, बट देखना ये तो आ गया मैक एड्रेस, ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, कीप अलाइव तो हमने बंद कर दिए थे। तो होता गया, तुम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि इन डिवाइसेस के ऊपर CDP भी क्या होता है, याद है ना CDP, तुम लोगों को हम लोगों ने लास्ट क्लास में CDP डिस्कस किया था। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट CDP भी क्या है, इनेबल्ड है, तो ये अपना CDP का भी तो मैसेज भेजेगा आफ्टर एवरी 60 सेकंड, तो उसमें सोर्स मैक एड्रेस अपने इंटरफेस का रहेगा और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, और इसने इस बार यहाँ पे इस इंटरफेस पे जो डायनेमिकली जो मैक एड्रेस लर्न किया ना वो कीप अलाइव से नहीं किया, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में लर्न किया ना इसने, कीप अलाइव तो 10 सेकंड में आ जाना चाहिए था, वो तो ऑफ हो चुका है, इससे ये तो प्रूव हो गया कि कीप लाइव से तो लर्न किया नहीं है। तो CDP भी तो मैसेजेस जा रहे हैं यहाँ पे, सोर्स मैक एड्रेस अपना और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस, बताया था ना मैंने कौन सा मैक एड्रेस यूज़ करता हूँ, तो जैसे ही यहाँ पे फ्रेम आएगा वो देखेगा सोर्स मैक एड्रेस क्या है, फ्रेम आते ही सबसे पहला काम यही होता है एड्रेस लर्निंग का, सोर्स मैक एड्रेस क्या है जो भी है वो यहाँ पे क्या कर लेगा, लर्न कर लेगा, तो उसकी वजह से ये क्या कर रहा है यहाँ पे मैक एड्रेसेस को लर्न कर रहे हैं। तो अब एक काम करें, R1 से मैं कीप ये CDP भी डिसेबल कर दूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, कैसे CDP डिसेबल करते थे, नो CDP इनेबल, ये कमांड चलती थी ना, तो CDP डिसेबल कर दिया, अब कोई CDP तो मैसेज जा नहीं रहा होगा, जा रहा होगा या नहीं जा रहा होगा, शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक, मैक एड्रेस लर्न किया हुआ है ना 0x1 पोर्ट पे, क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक, मैंने क्लियर की टेबल, शो मैक एड्रेस टेबल, ये तो कीप अलाइव से या CDP से जो भी है ये लर्न कर रहे हैं 0x4 पे, 0x3 पे, 0x2 पे, इस बार लर्न होगा 0x1 पोर्ट पे, अब वेट करते रहो भले ही जितना मर्जी, क्योंकि CDP भी हमने क्या कर दिया यहाँ पे डिसेबल कर दिया, अब मैक एड्रेस नहीं लेगा, चलो 60 सेकंड का वेट कर लेते हम लोग, अरे 60 सेकंड का ज़्यादा से ज़्यादा 60 सेकंड का वेट कर सकते हैं ना, तो वेट करो थोड़ा, अभी आऊँगा उस पर आऊँगा, टेंशन ना ले, मुझे पता है, पहले ये तो देखो, अरे नहीं कर रहा ना मैक एड्रेस लर्न, तो अब कब करेगा मैक एड्रेस लर्न, जब ये यूज़र कुछ डेटा फॉरवर्ड करेगा, देख लें इसको, अब मैं जैसे ही R1 से मैं कोई भी डेटा ट्रैफिक फॉरवर्ड करता हूँ, मैं किसी को भी कम्युनिकेट करता हूँ, इवन अभी देखना कोई मैक एड्रेस लर्न नहीं किया हुआ ना, और मैंने जैसे ही यहाँ से किसी को पिंग किया तो सोर्स मैक एड्रेस क्या रख के जाएगा, इसका खुद का, और देखना मैक एड्रेस लर्न कर लिया इसने, है ना, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे तो एक ये राउटर अटैच्ड है, यहाँ पे क्या अटैच है, राउटर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंप्यूटर्स की, कंप्यूटर पे कोई कीप अलाइव जाते हैं नहीं, कंप्यूटर से कोई कीप अलाइव नहीं जा रहे होते, ठीक है, तो इसीलिए स्विचेस के पोर्ट बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, नो शटडाउन ही होते हैं, है ना,
तो कंप्यूटर से वैसे कोई कीप अलाइव नहीं जा रहा होता, पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे इन हमारे एंड यूज़र के ऊपर ना ही कोई CDP प्रोटोकॉल चल रहा होता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैक एड्रेस लर्न करना चाहिए उसको, नहीं करना चाहिए ना। फिर होता क्या है, कैसे, और ये फिर इसका मतलब तो ये यूज़र जब डेटा ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा तभी मैक एड्रेस क्या होगा, लर्न होगा ना। उसके अलावा और भी कुछ यहाँ पे रीज़न होते हैं ऑटोमेटिक मैक एड्रेस लर्न करने के, वो क्या होते हैं वो बात करते हैं। देखो जैसे इस कंप्यूटर को आप कोई भी IP एड्रेस असाइन करोगे, लाइक मैंने एक IP असाइन किया 10.1.1.1, जैसे आप इसको एक IP असाइन करोगे तो ये मशीन क्या करता है, सबसे पहले एक IP असाइन करते ही, जैसे आप कोई IP असाइन करते हो, IP असाइन करते ही एक ग्रेसियस आर्क जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, एक ग्रेसियस आर्क जनरेट करेगा जिसमें सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा, एक आर्क मैसेज जनरेट होगा जिसमें सोर्स मैक एड्रेस, सॉरी सोर्स IP एड्रेस क्या रहेगा, जो आपने यहाँ पे IP इंप्लीमेंट किया है 10.1.1.1, और डेस्टिनेशन IP भी क्या रहेगा 10.1.1.1। उस आर्क मैसेज के अंदर सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या रहेगा, सेम रहेगा, सोर्स मैक एड्रेस अपना और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 0.0.0.0, और वो देगा लेयर टू को, लेयर टू पे सोर्स मैक एड्रेस अपना और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑल एफ, इसकी कॉपी जाएगी स्विच के पास में, स्विच क्या कर देगा इसकी एक कॉपी सभी पोर्ट पे क्या कर देगा, फ्लड कर देगा, ब्रॉडकास्ट फ्लड कर देगा। अगर नेटवर्क में कोई 10.1.1 डॉट हुआ, लेयर टू पे सारी मशीन उसको क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। फिर जैसे ही वो देखेंगी कि आर्क का मैसेज है, आर्क मैसेज ओपन होगा, वो चेक करेगा, सभी मशीन चेक करेगी डेस्टिनेशन IP क्या है, उसमें 10.1.1 है, तो जो 10.1.1 नहीं होगा वो तो सारे क्या कर देंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे, और जो 10.1.1 अगर नेटवर्क में हुआ तो उसको रिप्लाई देगा ना, रिप्लाई यहाँ पे आते ही इसको पता चल जाएगा ना IP एड्रेस क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब डुप्लीकेट ये IP एड्रेस नेटवर्क में कोई और भी यूज कर रहा है, तुम क्या कर लो अपना IP एड्रेस क्या कर लो, चेंज कर लो। समझ में आ रही है मेरी बात। तो जैसे ही आप कोई IP एड्रेस इंप्लीमेंट करोगे, IP एड्रेस इंप्लीमेंट करती है मशीन, एक ग्रेस हिसाब जनरेट करती है, अगर हमारे नेटवर्क में वो 10.1.1.1 किसी ने IP नहीं दिया हुआ तो उसका रिप्लाई मिलेगा नहीं इसको, अगर रिप्लाई नहीं मिलेगा तो इसका मतलब इसको पता चल गया ना ये IP एड्रेस नेटवर्क में कोई और नहीं यूज कर रहा, तो ये IP यहाँ पे क्या कर लेता है, ये असाइन कर देता है। समझ में आ गई बात। तो जैसे ही आप यहाँ पे कोई IP एड्रेस इंप्लीमेंट करोगे, IP एड्रेस इंप्लीमेंट करते ही ये ग्रेसिस आप जनरेट करेगा जिसमें सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा, खुद का ए, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रहेगा ऑल एफ, फ्रेम आएगा जैसे ही यहाँ पे फ्रेम आते ही यहाँ पे मैक एड्रेस क्या कर लेगा, सोर्स मैक एड्रेस लर्न कर लेगा। समझ में आई बात। तो जैसे ही आप कोई भी मशीन पे आप IP एड्रेस इंप्लीमेंट करते हो, IP एड्रेस इंप्लीमेंट करते ही वो क्या करता है, मैक एड्रेस ऑटोमेटिक लर्न कर देता है। और लाइक फॉर एग्जांपल डेटा ट्रैफिक फॉरवर्ड ही नहीं किया इसने, और जैसे ही लाइक ये मशीन, मेरी मशीन क्या थी, शट डाउन थी, जैसे ही मशीन ऑन होगी, ऑन होती है लैन कार्ड एक्टिव आएगा, लैन कार्ड एक्टिव आते ही इसके ऊपर एक IP एड्रेस हमने सेट किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, उस IP को एक्टिव करने के लिए पहले क्या जनरेट करेगा, जब भी आपकी मशीन ऑन होगी ऑन होती है उस पे जो आपने IP असाइन किया हुआ है उसके लिए वो क्या जनरेट करेगा, एक ग्रे हिसाब जनरेट करेगा ही करेगा डुप्लीकेट IP चेक करने के लिए कि नेटवर्क में ये IP एड्रेस किसी और ने तो यूज नहीं किया हुआ। तो जैसे ही फिर वो ग्रेसिस आप जनरेट करेगा, मैक एड्रेस लर्न कर लेगा। समझ में आई बात। इसके अलावा लाइक हमने यहाँ पे IP ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ है, क्या सेलेक्ट किया हुआ है, ऑब्टेन एन IP ऑटोमेटिक, इसका IP कौन देगा, DHCP सर्वर। तो जैसे ही मशीन ऑन होगी, मशीन ऑन होती इसका लैन कार्ड एक्टिव आएगा, यहाँ पे हमने क्या सेलेक्ट किया है, ऑब्टेन एन IP ऑटोमेटिक, तो ये क्या जनरेट करेगा, एक डिस्कवर मैसेज जो कि क्या रहता है, ब्रॉडकास्ट, सोर्स मैक एड्रेस जिसमें क्या रहेगा, खुद का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑल एफ, लेयर टू के ऊपर अगर मैं बात करूँ, फ्रेम जैसे यहाँ पे आएगा ऑटोमेटिक मैक एड्रेस यहाँ पे क्या कर लेगा, लर्न कर लेगा। तो विदाउट डेटा ट्रैफिक फॉरवर्ड करे हुए जैसे ही आपकी मशीन अप आएंगी, अप आते ही ये मैक एड्रेसेस क्या कर लेती हैं, डायनेमिकली ही लर्न कर लेती हैं। समझ में आ गई बात। हाँ बोलो। जैसे सर हमने फर्स्ट टाइम राउटर भी ऐड किया था, तो वो जैसे हम उसको नो सेट करते हैं तो वो अपने कीप लाइव मैसेज सेंड करेगा, तो सर उससे वो मैक टेबल जनरेट, उससे मैक टेबल क्यों नहीं जनरेट हो, वो तो रही थी फर्स्ट टाइम भी होगी, क्यों नहीं होगी, होगी CDP भी चल रहा है, हाँ विदाउट मैसेज किए हुए हो जाएगी, किसने बोला नहीं होगी, मैंने दिखाई नहीं उस टाइम, मैं पहले तुम्हारे वो वाले कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था, आर्प वाले, हमने कम्युनिकेशन कर लिया था उनके बीच में, लेकिन पहले उन्होंने मैक एड्रेस लर्न किया हुआ था वहाँ पे। समझ में आ गई बात। इवन देखना है, ये लो मैं काम करता हूँ, मैं स्विच पे गया, ये लो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/1.2,
ये लो मैंने शट डाउन कर दिया। अब मैं जैसे ही नो शट करूँगा मशीन नहीं अप आएंगे ना दोबारा, बात आ रही है समझ में? तो जैसे ही नो शट करूँगा तो ये लो कीप अलाइव मैसेजेस एक्सचेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक, वेट कर लो। ठीक, समझ में आ गई बात? बट आर वन का लर्न नहीं कर रहा मैक एड्रेस, क्यों नहीं लर्न कर रहा? क्योंकि हमने इस पे की अप्लाई क्या किया है, और मैं जैसे इस पे इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/0 पे कोई और आईपी इंप्लीमेंट करता हूँ और ना राउटर का वैसे बिहेवियर भी थोड़ा अलग होता है। मैंने आईपी चेंज किया इसके ऊपर, जैसे ही आईपी चेंज किया ग्रेसी सर बात आ गई समझ में? तो हो गया प्रूफ, ठीक है, वेरी गुड। इसके अलावा हम लोग स्टैटिकली भी एंट्री डाल सकते हैं, बताया था ना अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग को अगर आप लोगों ने अवॉइड करना है कि स्विच आपका अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग परफॉर्म ना करे, तो इसके लिए एक तो मैक एजिंग टाइम बढ़ा सकते थे, मैंने बताया था, और एक स्टैटिकली एंट्रीज डाल सकते हैं। तो ये लो शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक, ये लो आर कौन से की डाल दें, आर फोर की एंट्री डाल दें, आर फोर की एंट्री मैं स्टैटिकली डाल देता हूँ। तो कैसे डालोगे? मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक, और यहाँ पे मैक एड्रेस बताओ ये कौन से वीलैन में है, वीलैन वन में है ना, और कौन से इंटरफेस पे, फास्ट इंटरनेट 1/0/4। अरे इंटरफेस एफ ए 1/0/4, ये लो, ये मैंने स्टैटिक एंट्री डाल दी। अगर कैम टेबल के अंदर डायनेमिकली भी एंट्री थी पहले और मैंने स्टैटिकली भी डाल दी, तो प्रेफरेंस पहले ज़्यादा किसको मिलेगी? जो आप काम स्टैटिक करते हो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है ना। तो ये लो फिर शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक, डायनेमिकली इसने आर फोर का मैक एड्रेस लर्न किया हुआ है नहीं? अरे शो मैक, शो मैक एड्रेस टेबल, ये लो समझ में आ गई बात? और कम्युनिकेशन भी हो रहा होगा, ये लो आर फोर से मैं कम्युनिकेट करवा के देख लेता हूँ। पिंग स्पेस 10.1.1.4, ये लो कम्युनिकेशन भी हो रहा है। पहला पैकेट ड्रॉप क्यों हुआ? इसके पास में तो ऑलरेडी आर फोर का एआरपी टेबल में एंट्री पड़ी थी। शो आर किसकी एंट्री है? सिर्फ आर फोर की। पहले वाली एंट्रीज कहाँ गई? मैंने बताया था एआरपी टेबल में तो फोर आवर्स के लिए एंट्री को स्टोर करते हैं, आर टेबल में ये मैक एड्रेस की एंट्रीज को कितने टाइम के लिए स्टोर करते हैं? ये वर्चुअल मेमोरी में एक्चुअली स्टोर होता है, कैशे में, ठीक है। तो एक बार ये इंटरफेस डाउन हो चुका था, जब कोई इंटरफेस डाउन होता है ना उस इंटरफेस पे जो भी आर्प एंट्री उसने बनाई हुई है उस टेबल में, जो आर्प टेबल में जो भी एंट्री बनाई हुई है मैक एड्रेसेस की, वो भी डिलीट कर देता हूँ। अरे नहीं बात समझ में आई, आर टू ने शो आर्प, इसमें कोई टेबल में एंट्री है नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार इंटरफेस डाउन हो चुका था। ये लो मैं ट्री को कम्युनिकेट करता हूँ एंट्री आ जाएगी, मैं फोर को कम्युनिकेट करता हूँ एंट्री आ जाएगी, शो आर्प आ गई ना एंट्रीज। और मैं जैसे ही इस इंटरफेस को 0/0 को एक बार शट करूँगा, एक्चुअली ये जो आर्प टेबल जो स्टोर होती है वो कैसे में स्टोर होती है, इस इंटरफेस के ऊपर इसने ये टेबल बनाई है ना, तो अगर ये इंटरफेस डाउन होके अप आएगा तो इसकी, जैसे आप इस इंटरफेस को आप डाउन करोगे तो शो आर्प, देखना। या फिर आप ये भी बोल सकते थे क्लियर आर्प कैशे, क्लियर आर्प कैशे बोलते तब भी क्लियर हो जाती। इवन ये लो मैं आर टू पे गया, शो आर्प में देखना, इसको टेबल में दिखा रहा है ना मैक एड्रेस, क्लियर आर्प कैशे मैंने बोला और शो आर्प बोला, नहीं गई, ये लो
दो तीन बार करनी पड़ेगी, नहीं गई, अरे गई एंट्री, वो दोबारा एंट्री लर्न करिए, और भी सारा ट्रैफिक जा रहा है। ये देखना पहले 1 मिनट और रखा था ना, 1 मिनट के लिए था ना, और जैसे मैंने इसको क्लियर बोला तो कितना टाइम दिखा रहे हैं, अरे दोबारा लर्न किया, देखना शो आर। अब ये टाइम बढ़ने दो इसका, पहले एक काम करो आर फोर पे चेक कर लो, आर फोर की एंट्री दिखा देता हूँ मैं, शो आर कितने टाइम के लिए लर्न की हुई है, आर टू की एंट्री मैं क्लियर आर कैसे करता हूँ, जैसे ही हटा देना, बट वो पता नहीं क्यों लर्न कर रहा है। अरे ये राउटर का बिहेवियर अलग ही होता है कुछ, बाकी एक मशीन पे अगर आप क्लियर करोगे तो एंट्री तब तक नहीं आएगी जब तक आप उसके उसको कम्युनिकेट नहीं करोगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आप इस तरह से स्टैटिक एंट्री भी डाल सकते हो, शो मैक एड्रेस टेबल के अंदर इन सभी के मैक एड्रेस लर्न किया है ना इसने, तो ये आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। आप एक और काम कर सकते थे, ये जब एंट्री डाली थी ना आपने, मैं इस एंट्री को पहले हटा दूँ, R4 की एंट्री को मैंने हटा दी इस एंट्री को, तो अब ये क्या करेगा, शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक, अब ये डायनेमिकली लर्न कर ली इसने। अब मैं एक काम करता हूँ, ये लो मैंने बोला क्या, इस मैक एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं जब मैक एड्रेस की एंट्री डाल रहा हूँ, मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक, ये मैक एड्रेस ना, और विलेन वन के लिए आगे एक ड्रॉप कीवर्ड डाल दिया मैंने, आगे मैंने क्या बोल दिया, शो मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक या शो मैक एड्रेस टेबल है ना, तो अब क्या होगा, आर फोर जब भी अपने मैक एड्रेस, इस मैक एड्रेस से जब भी इसके पास में कोई रिक्वेस्ट आएगी उस ट्रैफिक को क्या करता रहेगा, ड्रॉप, समझ में आ गई बात, अरे समझ में आया, तो ड्रॉप कीवर्ड भी आप ऐड करवा सकते हो अगर आप चाहते हो, कोई पर्टिकुलर मैक एड्रेस को अगर आप लोगों ने हमारे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करना, कोई लैपटॉप लेके आ रहा है और मेरे स्विच से वो कनेक्ट कर लेता है बार बार जब भी आता है ना, वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना, तो आप यहाँ पे ये एंट्री डाल सकते हो, उसका मैक एड्रेस क्या है, जैसे डायनेमिकली वो मैक एड्रेस लर्न कर रखा है, आपको पता है ये हमारा कोई वैलिड यूज़र तो है नहीं, तो उसको आप इस तरह से क्या करवा सकते हो, ड्रॉप करवा सकते हो, तो अब वो यूज़र हमारे नेटवर्क में किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा ना, समझ में आ गई बात। हटा दें इस एंट्री को वापस से, तो अब जैसे ही मैंने इस एंट्री को रिमूव किया, एंट्री को रिमूव करते देखना, कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो गया ना, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को, ठीक है। इसके अलावा और भी यहाँ पे हमारे पास में कुछ चीज़ें हैं, लाइक इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 वाला पोर्ट जो है, देखो यहाँ पे डिटेल चेक करो, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 पोर्ट है ना, इस पे डुप्लेक्स क्या है, फुल डुप्लेक्स है, क्या है, फुल डुप्लेक्स है ना, अरे ये डुप्लेक्स पता है ना क्या है, फुल का क्या मतलब होता है, एट ए टाइम इस पोर्ट से डेटा सेंड भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं सामने वाले डिवाइस पे चलता हूँ R1 पे, और शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, और इस पे भी डुप्लेक्स क्या दिखा रहे हैं, फुल, मैं इस पे चेंज कर दूँ डुप्लेक्स, मैं इस पे डुप्लेक्स चेंज कर दूँ क्या, वेट करो, फिर ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है, नेम रेजुलेशन करवा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे, मैं यहाँ पे जो इसका डुप्लेक्स जो सेट कर रहा हूँ, मैं हाफ सेट कर रहा हूँ, मैंने जैसे ही इसको हाफ बोला यहाँ पे, मैं स्विच 1 पे गया, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1,
इसने भी अपने आप को किस पे ले आया, ये हाफ पे ले आया। एक्चुअली यहाँ पे फुल नहीं सेट था, यहाँ पे एक्चुअली ऑटो सेट था। क्या सेट था? ऑटो। अगर सामने वाला पोर्ट जो है वो अपने आप को हाफ पे लेके आएगा तो ये अपने आप को हाफ पे ले आएगा, और सामने वाला अगर फुल पे है तो अपने आप को फुल पे ले आएगा। अगर दोनों जगह पे ऑटो है तो दोनों फुल पे ही लेके आते हैं वैसे, ठीक है। नेगोशिएट करेगा ये अपने आप को सामने वाले के अकॉर्डिंग। देखना मैं आर वन पे गया, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, और मैंने डुप्लेक्स क्या बोल दिया, फुल। मैंने जैसे ही फुल डुप्लेक्स बोला, स्विच वन पे चलना और इस बार चेक करना अपने आप को फुल पे ले आया। अरे बात आ रही है समझ में? और मैं यहाँ पे आर वन पे चल लो, यहाँ पे आप डुप्लेक्स क्या क्या सेट कर सकते हो देखना, और बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट होता है। तो ऑटो कर दूँ मैं वापस से यहाँ पे, तो दोनों अपने आप को किस पे ले आएंगे, फुल पे नेगोशिएट करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो आप ये डुप्लेक्स क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में यहाँ पे एक और ऑप्शन है, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 स्पीड का कितनी दिखा रहा है, 100 Mbps। और सामने वाले डिवाइस पे भी देखना आर वन पे कितनी दिखा रहा है, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। फास्ट इथरनेट पोर्ट आया तो ऑब्वियस ही बात है कितनी दिखा रहा होगा, 100 Mbps। और मैं जैसे ही यहाँ पे क्या बोलता हूँ, ये लो मैं स्पीड भी चेंज कर सकता हूँ ना, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, और आप क्या बोलते हो, स्पीड मैंने यहाँ पे क्या कर दी 10 Mbps। तो सामने वाले पे भी क्या हो जाएगी, सामने वाला अपने आपको स्पीड को भी क्या करता है, ऑटो नेगोशिएट करता है, क्या करता है, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे, अरे 1/0/1 है ना। तो देखना यहाँ पे 10 पे ले आया, और मैं सामने वाले पे क्या सेट करता हूँ, स्पीड 100, तो अपने आप को किस पे ले आया ये 100 पे। और मैं अगर यहाँ पे क्या बोलता हूँ, स्पीड, देखना एक और ऑप्शन आ रहा है किस चीज़ का, ऑटो। ऑटो बोलेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फास्ट इंटरनेट पोर्ट है, तो 100 Mbps स्पीड को क्या कर लेंगे, नेगोशिएट कर लेंगे। 100 वाले पे एक दूसरे को क्या कर लेंगे, दोनों नेगोशिएट कर लेंगे, देखना। और ये काम आप यहाँ पे भी स्विच पे भी परफॉर्म कर सकते थे, है ना। समझ में आ रही है बात मेरी? कीप अलाइव, एक मैंने क्या बताया था, ट्रिगर्ड भी जाते हैं, है ना, ट्रिगर्ड भी जाएगा। तो सर ये फास्ट और गीगाबाइट पोर्ट में, अगर एक फास्ट पोर्ट होगा गीगाबाइट पोर्ट, तो वो किस पे कर लेंगे नेगोशिएट, 10 Mbps, 100 Mbps पे। अच्छा कम है, हाँ कम, ठीक है, समझ में आ रही है बात। और अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आप और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक फास्ट इथरनेट 1/0/1 पे मैं पोर्ट पे इस पे कौन कनेक्टेड है, कौन राउटर कनेक्ट है, एक एंड यूज़र कनेक्ट है, कौन कनेक्ट है, आप यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर सकते हो, लाइक दिस पोर्ट इज कनेक्टेड टू राउटर वन या पीसी वन, जो भी है, ठीक है। एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट लाइक, आप ये डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर सकते हो कोई भी पोर्ट पे स्विच, ये जो आपका पोर्ट है डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर सकते हो, दिस पोर्ट इज कनेक्टेड टू लाइक सर्वर, दिस पोर्ट इज कनेक्टेड टू राउटर, है ना। और ये आप चेक भी कर सकते हो कैसे, शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे आपको ये डिस्क्रिप्शन दिखाता रहता है। या फिर शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, ठीक है, शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन कमांड में आपको ये डिस्क्रिप्शन दिखा देगा। अदरवाइज आप यहाँ पे भी देख सकते थे, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 पोर्ट, समझ में आई बात। और ये जो हमारे जितने भी इंटरफेसेस होते हैं उनके ऊपर एक मैक एड्रेस होता है, देखना ये इस इंटरफेस का मैक एड्रेस है, और ये एक बाया मैक एड्रेस है, बाया मतलब बर्न इन एड्रेस, ये फिक्स रहता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप इस वाले एड्रेस को आप चेंज कर सकते हो, ये चेंज हो जाएगा ये, लेकिन ये बाया चेंज नहीं होगा। जो बाया जो होता है वही क्या होता है आपका,
इंटरफेस का मैक एड्रेस होता है। अगर आपने टेम्परेरी अगर आपने इंटरफेस का मैक एड्रेस चेंज करना, आप चेंज कर सकते हो, बट ये नहीं चेंज होगा, ये फिक्स्ड होता है हमेशा। ठीक है, कैसे चेंज करते हैं मैक एड्रेस पता है क्या? ये लो R1 का मैक एड्रेस मैं चेंज कर देता हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। आप क्या बोलोगे, मैक क्या बताना, 0/0/0 इसी फॉर्मेट में देना ना। मैंने ये मैक एड्रेस सेट कर दिया, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। और अब अगर मैं यहाँ से कम्युनिकेट करता हूँ 10.1.1.2 को, कम्युनिकेशन होना चाहिए ना एक्चुअली। पोर्ट एक बार डाउन हो गया, अगर आप ये मैक एड्रेस चेंज करते हो ना तो एक बार पोर्ट डाउन हो गया पाता आता है इसका। तो वेट कर लो, फिर कितना टाइम का वेट करना पड़ेगा, 30 सेकेंड। ठीक है, तो कम्युनिकेशन हो जाएगा, देखना कम्युनिकेशन होने लग गया ना। और अब देखना अब ये मैक एड्रेस क्या लर्न करेगा, शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक। तो आप मैक एड्रेस चेंज कर सकते हो इंटरफेसेस के। तो वापस ये कमांड हटा दूं मैं, और अब मैं स्विच वन पे जाता हूँ, शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक। और एक बार पोर्ट डाउन हुआ, पोर्ट डाउन होते ही क्या हुआ, मैक एड्रेस चेंज करती, पोर्ट डाउन हुआ है ना, पोर्ट डाउन होती वो एंट्री क्या होगी, अगर कोई स्विच का कोई इंटरफेस डाउन जाता है, डाउन होते ही उस इंटरफेस पे जो भी मैक एड्रेस उसने लर्न किए हैं वो सारे के सारे मैक एड्रेस क्या कर देगा, रिमूव। जो डायनेमिकली लर्न किए हैं, जो मैक एड्रेस डायनेमिकली लर्न किए हैं वो मैक एड्रेस क्या हो जाएंगे, रिमूव। जो स्टैटिकली लर्न किए हैं वो तो रनिंग कॉन्फिग में स्टोर है, आपका कैशे में स्टोर नहीं है, वो रनिंग कॉन्फिग के अंदर भी स्टोर है, तो वो आपको दिखाएगा मैक एड्रेस, परमानेंटली रहेंगे वो जब तक आप उनको मैनुअली रिमूव नहीं कर देते। समझ में आ गई बात, तो ठीक है। सर मैक एड्रेस चेंज करने में क्या फायदा होगा, वो बाया तो कभी चेंज नहीं होता, बाया चेंज नहीं होगा बट रिक्वायरमेंट आ जाती है, आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, मैं आप लोगों को सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा। इसके अलावा देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक ग्रुप बना सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट पोर्ट मैक्रो ग्रुप, स्मार्ट पोर्ट एक मैक्रो ग्रुप बना सकते हैं। स्मार्ट पोर्ट मैक्रो ग्रुप की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है वो बात करते हैं। देखो यार फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक स्विच है और स्विच पे काफ़ी सारे पोर्ट हैं और वहाँ पे एक वीलैन है, वीलैन कौन सा 10, और ये सेल्स डिपार्टमेंट का है, इसका नेम क्या है वीलैन का, सेल्स है। और इसमें पोर्ट कौन कौन से हैं, इसमें पोर्ट ये हैं सारे, लाइक 0/3 पोर्ट को, 0/3 पोर्ट पे एक सेल्स का यूज़र कनेक्टेड है, और एक 0/7 पोर्ट पे भी सेल्स का यूज़र कनेक्टेड है, एक 0/9 पोर्ट पे भी एक सेल्स का यूज़र कनेक्टेड है, और एक 0/11 से लेके 15 नंबर पोर्ट तक भी सेल्स के यूज़र कनेक्टेड है, और एक 0/19 नंबर पोर्ट पे भी या 18 नंबर पोर्ट पे भी एक सेल्स का यूज़र कनेक्टेड है। और तुम लोगों को पता होगा डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो भी पॉलिसीज लगती है वो सारी की सारी सेम ही लगती है ना, मोस्टली जो भी हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे मोस्टली कॉन्फ़िगरेशन इन सभी पोर्ट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी ना, क्योंकि ये एक ही डिपार्टमेंट के हैं, मैं मोस्टली कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर आपने ये सारे के सारे पोर्ट सेल्स वीलैन में ऐड करवाने हैं, या फिर लाइक सेल्स वीलैन का मैंने वीलैन चेंज कर दिया, वीलैन 20 बना दिया, वीलैन 20 को सेल्स का वीलैन बना दिया हमने। ठीक है, तो अब ये सारे के सारे पोर्ट क्या करने पड़ेंगे, मूव करने पड़ेंगे। अब हमें याद रहेगा क्या कि वीलैन, अब देखो मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मैंने इन सभी पोर्ट को जो सेल्स के जो यूज़र हैं उनको सबको कहाँ पे ऐड करवाना है, वीलैन 20 में ऐड करवाना है। तो अब आपको याद रहेंगे कौन कौन से पोर्ट हैं सेल्स के, नहीं याद रहेगा ना, काफ़ी डिफ़िकल्ट है ना, समझ में आ रही है मेरी बात। या फिर आप बोल सकते हो लाइक सेल्स के जो ये यूज़र जो हैं जितने भी उनके ऊपर आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो उन सभी पोर्ट पर जाना पड़ेगा ना, तो इन सभी पोर्ट पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप कैसे जाओगे इन सभी पोर्ट पे, कुछ इस तरह से कमांड रन करोगे, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/3 कॉमा FA 1/0/7 कॉमा FA 1/0/9 कॉमा FA
1/0/11 to 15, comma FA 1/0/18. ये मल्टीपल पोर्ट पे गए, हमें देखना पड़ा ना ये सब कुछ. क्या मुझे याद रहेगा? नहीं याद रहेगा. अब मैंने इस पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी थी लाइक स्विच पोर्ट, मोड एक्सेस, आने वाले टाइम में बात करेंगे हम लोग, बहुत सारी हम लोग यहाँ पे कमांड्स रन कर सकते हैं. तो अब विलन 10 वालों के लिए सभी के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो सेम रहेगी. तो बट हमें याद नहीं है पोर्ट नंबर, हमें मैनुअली चेक करना पड़ेगा यार इस विलन 10 में कौन कौन से पोर्ट्स हैं, जिनको फिर मैं क्या करवाऊँगा, उन सभी पोर्ट पर ये रेंज कमांड चलाऊँगा और मैं मैनुअली सभी पोर्ट पर जाना पड़ेगा ना हमें. तो आप एक काम कर लो, आप इन मल्टीपल पोर्ट का क्या बना लो, एक ग्रुप बना लो. मल्टीपल पोर्ट का हम लोग क्या कर लेंगे, ग्रुप बना लेंगे. और हम लोग अब वो ग्रुप कैसे बनाएंगे, उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मार्ट पोर्ट मैक्रो ग्रुप. अब मैं इन मल्टीपल पोर्ट पे नहीं जाऊंगा, मैं उस ग्रुप पे चला जाऊंगा. अब मैं उस ग्रुप पे चला जाऊंगा तो ऑटोमेटिक उन पोर्ट पे चला जाऊंगा ना. अरे बात आ रही है मेरी समझ में? तो अब ये ग्रुप कैसे बनाते हो, स्मार्ट पोर्ट मैक्रो ग्रुप बनाओगे कैसे, वो बात करते हैं. ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, मैंने बोला डिफाइन मैक इंटरफेस रेंज, ग्रुप नेम, ग्रुप नेम मैंने क्या दे दिया लाइक टेस्ट दे दिया, या फिर ये लो VLAN 10 से दे दिया मैंने, या फिर सेल्स दे दिया. मतलब मैं सेल्स के सारे पोर्ट इसमें क्या करवा रहा हूँ, इस ग्रुप में ज्वाइन करवा रहा हूँ, ठीक है. और उसके बाद में आप बोलोगे यहाँ पे क्या पोर्ट्स असाइन करवाने हमने, क्या आप क्या बोलोगे, इंटरफेस सॉरी फास्ट इथरनेट 1/0/ एक तो 3 था, कॉमा FA 1/0/ एक तो एक था 7, और FA 1/0/9 कॉमा और FA 1/0/11 टू 15 और कॉमा FA 1/0/18. डू शो हिस्ट्री, मैंने ये कमांड चलाई क्या, मैंने बोला डिफाइन इंटरफेस रेंज और ये स्मार्ट पोर्ट मैक्रो ग्रुप को एक नेम दे दिया मैंने. जो भी आपने इंटरफेस इसमें ऐड करवाने हैं इस ग्रुप में ऐड करवा लिए सारे. अरे इस तरह से हम लोग इंटरफेसिस को ऐड करवा सकते हैं ना, ऐड करवा लेंगे. उसके बाद में अगर इन मल्टीपल पोर्ट पे जाना है आपने तो अब इन पोर्ट को याद रखने की जरूरत ही नहीं है. हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेस रेंज मैक्रो और मैक्रो ग्रुप नेम क्या था, सेल्स. ये लो मैं मल्टीपल रेंज पे हूँ. अगर मैं ये बोलता हूँ देखना स्विच पोर्ट, मैं कह रहा हूँ एक्सेस करिए किसको, मैं बोल रहा हूँ विलन 100 को एक्सेस कर ले, है ना. तो देखना शो विलन ब्रीफ, तो यही सारे पोर्ट गए हैं ना इधर. तो अब ये इंडिविजुअल पोर्ट्स पे जाने की जरूरत है हमें. ये लो इंटरफेस रेंज मैक्रो, ग्रुप नेम क्या था, सेल्स. ये लो स्विच पोर्ट हमारा एक्सेस करे किसको, विलन 10 को. देखना शो विलन ब्रीफ. मैंने क्या बोला, इंटरफेस रेंज मैक्रो, ग्रुप नेम क्या था, सेल्स. स्विच पोर्ट एक्सेस करे विलन किसको, 1 को. शो विलन ब्रीफ, देखना. अरे बात आ रही है समझ में? तो हम लोग ये जो हमारे इंडस्ट्री में आपकी कंपनी में जो भी विलन्स बने हुए हैं, जो ग्रुप बने हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको क्या कर लो आप. अरे जो भी विलन बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग उनका पोर्ट्स का क्या बना लो आप, इस तरह से ग्रुप बना सकते हो. समझ में आ गई बात? अब याद रखने की जरूरत नहीं है यार आपको पोर्ट्स, या फिर शो विलन ब्रीफ में जाके आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि भाई इसमें कौन कौन से विलन पोर्ट्स हैं आपके. आपने एक मैक्रो ग्रुप बना लिया मल्टीपल पोर्ट्स का. समझ में आ गई बात? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ. तो इस तरह से हम लोग एक स्मार्ट पोर्ट मैक्रो ग्रुप भी बना सकते हैं. अब कई बार क्या होता है, कई बार पोर्ट आपका ना एरर डिसेबल में चला जाता है. किस में चला जाता है? तुम लोगों ने लाइक एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे देता हूँ. तुम लोगों ने CCNA में पढ़ा होगा, जब भी आप इस पोर्ट के ऊपर स्विच पोर्ट कॉन्फ़िगर, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करते हो ना तुम लोग स्विच पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर, इसका मैक एड्रेस आप यहाँ पे क्या कर देते हो, लाइक इस मशीन का मैक एड्रेस ए है तो ए मैक एड्रेस यहाँ पे बाइंड करवा देते थे आप. कोई दूसरा मैक एड्रेस यहाँ पे रिक्वेस्ट लेके आएगा तो ये पोर्ट किस में चला जाता था, एरर डिसेबल स्टेट में. किस में? एरर डिसेबल स्टेट में. और उस एरर डिसेबल स्टेट से अगर पोर्ट को आपने रिकवर करना है तो कैसे रिकवर करते थे हम लोग, पोर्ट को आपको क्या करना पड़ता था, शट डाउन करके फिर से नो शट डाउन करना पड़ता था. अब ये थोड़ा ना है कि हम लोग स्विच पे जाएंगे और पोर्ट को शट नो शट करेंगे, नहीं. हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक एक रिकवरी सेट कर सकते हैं, पोर्ट को ऑटोमेटिक भी रिकवर करवा सकते हैं.
पोर्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी रिकवर करवा सकते हैं। तो हम लोग एक रिकवरी सेट कर सकते हैं। कैसे सेट कर सकते हैं वो देखो, पोर्ट पे स्विच पे जाओगे और आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में एरर डिसेबल रिकवरी कोज, किस रीज़न से पोर्ट आपका एरर डिसेबल में गया जिससे आपने क्या करना है उस पोर्ट को रिकवर करना है। रिकवरी कोज देखना कितने सारे हैं, तो ये आपको ये पता चलेंगे आने वाले टाइम में। एक आर्प इंस्पेक्शन पढ़ेंगे हम लोग, मैंने इवन आप लोगों को लिखवाया भी हुआ है डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन, सिक्योरिटी का एक टॉपिक, ठीक है। तो उसकी वजह से पोर्ट आपका किस में जा सकता है, एरर डिसेबल में। एसटीपी में पढ़ेंगे, बीपीडीयू की वजह से भी, बीपीडीयू गार्ड की वजह से भी पोर्ट आपका एरर डिसेबल में जा सकता है। चैनल मिस कॉन्फिग, इथर चैनल की वजह से भी आपका पोर्ट एरर डिसेबल में जा सकता है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हैं, लाइक स्टॉर्म कंट्रोल की वजह से भी पोर्ट आपका एरर डिसेबल में जा सकता है। लाइक तुम लोगों ने देखा होगा, ये देखना पी सिक्योर वायलेंस जो है, ये जो आपका रीजन जो है ना वो कौन सा है, हाँ ये वही आपका स्विच पोर्ट सिक्योरिटी की, अगर आपने स्विच पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फिगर की हुई है और पोर्ट पे एक मैक एड्रेस लर्न किया हुआ है, पोर्ट कोई दूसरा मैक एड्रेस लर्न करेगा तो वो क्या हो जाएगा, पोर्ट आपका एरर डिसेबल में चला जाएगा ना। तो वो पी सिक्योर वायलेंस होती है ना आपकी, अरे पी सिक्योर वायलेशन होती है ना, हाँ। तो कोज हम क्या सेट कर देंगे, या फिर आप एक काम करो, ये लो कोई भी रीजन से ऑल बोल दो, कोई भी रीजन से पोर्ट आपका एरर डिसेबल में जाए तो एरर डिसेबल रिकवरी इंटरवल एक सेट कर दो, इस टाइम के बीच में आप डिफाइन कर सकते हो। ये लो मैंने बोल दिया 60 सेकंड के बाद में पोर्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। तो वो 60 सेकंड के बाद में पोर्ट ऑटोमेटिक क्या कर देगा, रिकवर कर देगा। पोर्ट एरर डिसेबल में गया जो भी पोर्ट, उसको 60 सेकंड के बाद में वापस से क्या कर देगा, रिकवर कर देगा। अब वो यूज़र फिर भी वहीं पे है, दूसरा मैक एड्रेस रिक्वेस्ट लेके आ रहा है, फिर से उसको किस में डाल देगा, फिर वो एरर डिसेबल में, क्योंकि वहाँ पे स्विच पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर्ड है, फिर से एरर डिसेबल में डाल देगा। तो फिर से उसको, फिर वो 60 सेकंड के बद में ऑटोमेटिक क्या कर देगा, रिकवर कर देगा। फिर से वो दूसरा मैक एड्रेस रिक्वेस्ट लेके आएगा, फिर से उसको एरर डिसेबल में डाल देगा, वो फिर से उसको ऑटोमेटिक रिकवर कर देगा। अब इस बार आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, यूज़र को हटा दिया, उस लैपटॉप को वहाँ से आपने हटा दिया, या फिर कोई आपका जो वैलिड जो लैपटॉप था वही अटैच कर दिया, तो ऑटोमेटिक वो 60 सेकंड के बाद में जैसे उसको रिकवर करेगा, इस बार आपका वही सेम मैक एड्रेस रिक्वेस्ट लेके आएगा जो बाइंड है वो, तो इस बार एरर डिसेबल में नहीं जाएगा, तो ऑटोमेटिक रिकवर होता रहेगा पोर्ट आपका, पोर्ट को आपको शट नो शट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये ऑटोमेटिक एक रिकवरी भी क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। तो ये हमारे बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट थे बेसिक स्विचिंग के, ठीक है।